We have Reverend Father Vivian Lobo in our midst. Our father is known for preaching and is also known for giving seminars. I know, as he was a seminarian, even at that time, he was in a great demand. And as a priest, I know, as a director of the CLC, christian commission, the department, they started a lot of work and we all of us know that uh, how many times that a father creates a link in a day. sometimes so many links have to be created and especially during the pandemic. so many activities a uh, father had started and we are almost completing our second year of this pandemic and uh, during this two years time such a lot of resources available in our archdiocese because of father vivian as he took charge as the director of this department and we are very privileged to have father vivian in our midst uh, to speak to us about St. Joseph, as you are going to witness a short a stage performance on St. Joseph. So I thought it's fitting that we also invite one of our priests to speak to us about St. Joseph. And it's being recorded. Definitely it will be available on YouTube. And people who have not been able to make this day and it will be beneficial for us. let's give a, a clap and welcome father vivian and our midst. i equally appreciate and applaud all the good works that father Sebasti raj is also doing as a family commission director. otherwise, we didn't know what is family commission all about. but now that he is a director, there's lot that is taking place. so let's clap for him for all the efforts that he does. My dear brothers and sisters, uh, before we begin to reflect on this great saint, Saint Joseph, let's hear the word of God. And this talk will be primarily in Hindi because our archdiocese is a mission diocese. But at the same time, I'll try to ensure that we have certain aspects being spoken in English too. नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय उन्नीस वाक्यांश 9 से 13। इलाया हो पर्वत के पास पहुंचा और एक गुफा के अंदर चलकर उसने वहां रात बिताई उसे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी इलाया तुम यहाँ क्या कर रहे हो उसने उत्तर दिया विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहां हूं इसराइलियों ने तेरा विधान त्याग दिया तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला और तेरे नबियों को तलवार के घाट उतारा मैं ही बच गया हूं और वे मुझे भी मार डालना चाहते हैं प्रभु ने उससे कहा निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ तब प्रभु उसके सामने से होकर आगे बढ़ा प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चल पर आंधी चली पहाड़ फट गए और चट्टान टूट गई किंतु प्रभु आंधी में नहीं था आंधी के बाद भूकंप हुआ किंतु प्रभु भूकंप में भी नहीं था भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी किंतु प्रभु अग्नि में भी नहीं था अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी इलाहा ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया तब उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी इलाया तुम यहां क्या कर रहे हो प्रभु की वाणी प्रिय भाइयों और बहनों आज के इस पाठ में बहुत सारी उल्लेखनीय बातें हैं जिस पे मनन चिंतन करना आवश्यक है सर्वप्रथम ये कि नबी इलाया जो था उसने तरह तरह की आवाज सुनी परंतु एक जगह आकर ही उसे ईश्वर की वाणी सुनाई दी कौन सी वो जगह थी जहां एक मंद आवाज मतलब शांति भरी आवाज थी वहां नबी इलाया को ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी और बहुत सारी उल्लेखनीय बातें हैं जैसी वो आवाज आई नबी लाया ने और कुछ नहीं कहा तुरंत क्या किया अपना सिर चादर से ढक लिया ये चादर से क्यों ढक लिया हम अपना सिर कब चादर से ढकते हैं जब हम सोते हैं तब हम ढक लेते हैं ठंड हो चादर से ढकने का अर्थ क्या होता है यहूदी जाति में एक प्रथा है आ, वे मानते हैं कि ईश्वर को देखना गुना है क्योंकि अगर कोई ईश्वर को देखता है मतलब उसकी मृत्यु हो जाएगी ऐसा उनकी प्रथा है उनका मानना है मतलब इतना रेवरेंशियल फियर व्हाट वी कॉल रेवरेंशियल फियर डेट्स वाई वेन एवर मोजेज है डायरेक्ट एनकाउंटर विद गॉड सिर्फ मूसा ही ईश्वर से सीधा संवाद कर पाता था और इसलिए जब मूसा ईश्वर से मिलकर वापस बाहर तंबू में निकलता तो क्या लोग क्या करते उसके सिर पर चादर ढक देते थे क्योंकि वो तेज इतना प्रचंड था कि लोगों से बर्दाश्त नहीं होता था तो इसलिए नबी इलाया ने अपने सिर पर चादर ढक लिया वो ईश्वर को नहीं देखना चाहते थे और बहुत सारी उल्लेखनीय बातें ईश्वर के दर्शन के लिए नबी कहाँ जाते हैं होरेब पर्वत पर ही गोज़ टू माउंट होरेब सैकड़ों आवाज़ों के बीच में ईश्वर की आवाज़ शांति में ही उन्हें सुनाई दी शांति मौन ये बहुत ही आवश्यक शब्द है विशेषकर इस साल जब हम संत योसुफ का साल मना रहे हैं और अब कुछ दिनों बाद ये संत योसुफ का साल खत्म हो जाएगा परिवार दिवस मना परिवार का साल मना रहे हैं और साथ ही साथ सिनेड भी, सिनेट को भी हमने खोला है तो इन सब बातों के लिए मौन बहुत आवश्यक है क्यों बहुत आवश्यक है सिनेट जब हम सिनेट की बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं कि पोप स्वामी ने सिनेट को खोला है ताकि वो कलीसिया की आवाज को सुने कलीसिया की आवाज तभी सुनी जा सकती है जब मौन हो जब शांति हो इफ यू हैव टू लिसन टू समवन यू हैव टू कीप साइलेंस अनलेस यू कीप साइलेंस यू कैन नॉट हियर परिवार का साल है परिवार की बहुत सारी जटिलताओं को समझना है फादर तरह तरह के कार्य कर रहे हैं इस बात को लोगों को समझाने के लिए कि परिवार को एक कैसे बनाए रखना है उसके लिए भी आवश्यक है कि हम मौन रखें शांति रखें तभी जाकर हम इन जटिलताओं को इन छोटी छोटी सूक्ष्मताओं को समझ पाएंगे और परिवारों को कलिसिया से जोड़ पाएंगे पर पारिवारिक कलिसिया को मजबूत कर पाएंगे और संत योसुफ का साल प्रिय भाई और बहनों ये सारी चीजें करने के लिए संत योसफ हमें प्रेरित करते हैं मौन से उत्पत्ति सृष्टि होती है और नॉइज शोर से विनाश ये वास्तविकता है उत्पत्ति ग्रंथ को खोलिए ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया क्या बहुत सारी आवाज आई ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए धूम धाम धूम धूम, धूम प्रकाश हो गया ऐसा नहीं है बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए प्रकाश हो गया उसका ज्यादा एकदम वर्णन नहीं दिया पर उसी उत्पत्ति ग्रंथ में जब हम जल प्रलय के बारे में सुनते हैं जब ईश्वर ने जल प्रलय भेजा आकाश खुल गया धूम धाम और बारिश गिरी और पूरी तरह से विनाश हो गया मौन से सृष्टि होती है और जो नॉइज है शोर है उससे विनाश होता है आज ये संत जिसके बारे में एक बहुत ही छोटा अच्छा सा प्रेजेंटेशन हम देखने वाले हैं इसी बात की ओर हमें आमंत्रित करता है कि कैसे हमें उत्पत्ति करनी है अपनी विश्वव्यापी कलीसिया में अपने परिवारों में और अपनी अंतर आत्मा में प्रिय भाइयों और बहनों नबी वहां गए जहां ईश्वर था माना जाता है इजरायली लोग हमेशा इजरायली प्रथा में वेन वी रीड द हिस्टोरिकल बुक्स वी सी यूज़ टू गो टू विस एंड गेट द विजन ऑफ द लॉर्ड टू लि दॉ देर वहां वो ईश्वर की वाणी को सुनते थे हमें भी वहां जाना है जहां ईश्वर की आवाज सुनाई देती है कहा ईश्वर की आवाज सुनाई देती है प्रिय भाई और बहनों कहा? कहा अभी मैंने बताया शांति में मतलब वहां नहीं कहा मुंह खोलिए ना चर्च में है ना चर्च में ईश्वर की आवाज सुनाई देती है जरूरी नहीं है पर चर्च चर्च में भी देती है ईश्वर के शब्द को हम सुनते हैं मिस्सा में भाग लेते हैं परंतु उसके अतिरिक्त सबसे पहले कहा ईश्वर की आवाज सुनाई देती है अंतर आत्मा में इसीलिए चर्च धर्म शिक्षा कलीसिया की धर्म शिक्षा सिखाती है कि आपकी अंतर आत्मा एक पवित्र वेदी है योर कॉन्शियंस इज द सैंकुरी ऑफ गॉड व गॉड एग्जिस्ट पर जहां ईश्वर उसके लिए हमें चाहिए कि वहां पर शांति रहे उसे हिंदू शास्त्र में भी कहा गया है उसे अंतरनाद कहते हैं डिवाइन नॉइज मत एक ऐसी आवाज़ जो ध्वनि के परे हो शरीर के परे हो वो सिर्फ आत्मा में सुनाई देती है अंदर सुनाई देती है एंड वेन यू हियर द कॉन्शियस वॉइस यू कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग आप सही और गलत के बीच में चुनाव कर सकते हैं और तब जाकर सही निर्णय ले सकते हैं वही संत यूसफ ने किया संत यूसुफ और नबी इलायस के दोनों की दोनों के जीवन को जब हम परखते हैं तो पाते हैं कि संत यूसुफ भी परेशान हो गए जैसे उनके जीवन में एकदम से घटना हो गई कि वो उसका, उसके साथ जिसका विवाह होने वाला था वो गर्भवती हो गई एक परेशानी उसकी जी पर्सनल व्यक्तिगत प्रॉब्लम उसी प्रकार नबी इलायस के जीवन में भी व्यक्तिगत प्रॉब्लम आ गई थी जैजबिल नाम की एक रानी थी वो उसे परेशान कर रही थी तरह तरह से प्रताड़नाएं दे रही थी वो भी परेशान था व्यक्तिगत परेशानी साथ ही साथ अथॉरिटी की परेशानी राजा हेरोद योसेफ के पूरे परिवार को परेशान कर रहा था उसी प्रकार जैजबिल रानी नबी लायस को परेशान कर रही थी सामाजिक परेशानी संत यूसुफ को सामाजिक परेशानी थी कि लोग क्या बोलेंगे उसी प्रकार नबी इल, इलायस को भी इलाया को भी सामाजिक परेशानी थी क्योंकि उस समय के लोग केन से कनानी थे और वो अलग तरह की धारणा थी उनके मन में संत यूसुफ के मन में भी डर था उसी प्रकार नबी इलायस के मन में भी डर था परंतु ये दोनों ने ईश्वर की आवाज़ को सुना और वो सुनने के लिए अपने सबसे पहले उन्होंने क्या किया अपने आप को शांत किया ठीक है साइलेंस पहले साइलेंस सर्वप्रथम उन्होंने अपने आप को साइलेंस रखा और तब जाकर वो अंतर आत्मा की आवाज़ को प्रिय भाई और बहनों समझ पाए ईश्वर की वाणी सुनने के लिए मौन साइलेंस बहुत आवश्यक है प्रिय भाई और बहनों ये जो अनहद नाद है ये हमें तरह ये जो बियॉन्ड अपने शरीर के ऊपर सोचने के लिए मदद करता है अपने मस्तिष्क के ऊपर सोचने के लिए मदद करता है और अपने आसपास के जो वातावरण है उसको वो जो हमको डिस्टर्ब करता है उससे भी हमें ऊपर परे करता है प्रिय भाई और बहनों बहुत आवश्यक है कि अभी कल यहाँ बहुत सारी दंपत्ति आएंगे और कुछ लोग इस टॉक को भी सुनेंगे आप जो यहाँ पर हैं वो भी लोगों को परामर्श देंगे बहुत आवश्यक है कि हम एक दूसरे की सुने पति पत्नी की पत्नी पति की बच्चे माँ बाप की माँ बाप बच्चों की फादर सिस्टर्स एक दूसरे की विश्वव्यापी कलीसिया लोकल चर्चेस की लोकल चर्चेस और दूसरे छोटे चर्चेस की एक दूसरे को सुनने की ज़रूरत है जब हम सुनेंगे तब हम वो सुन सिनेट को पूरी तरह से हम स्थापित कर पाएंगे इसकी स्थापना के लिए सुनना आवश्यक है और सुनने के लिए साइलेंस रखना बहुत ही आवश्यक है जब ये कलीसिया समस्त कलीसिया ये पूरा सर्कल बना के सुनेगी तब जाकर ये कलीसिया पनप पाएगी पर प्रिय भाई और बहनों ये जो अनहद नाद है ये जो साइलेंस है इसको सुनने के लिए कौन से ऑबस्ट्रक्शन हैं कौन सी वि हैं कौन सी बाधाएं हैं कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जो हमें सुनने से हटाते हैं बहुत ज़रूरी है इसलिए इसको ध्यान से सुनिए सबसे पहला ओवर थिंकिंग ज़्यादा सोचना अगर हमारे परिवारों में कॉन्वेंट्स में कहीं पे भी संस्थानों में ऑफिस में कुछ भी हो जाए हम उसको ओवर ज्यादा सोचने लगते हैं ये ऐसा हो गया वो वैसा हो गया या किसी के बारे में ज्यादा सोचने लग, अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया उसने ऐसा किया क्योंकि ये ऐसा ही है पति से कुछ गलती हो जाए तो पत्नी ओवर थिंकिंग करती है पति से गलती हो जाए तो पत्... पत्नी से गलती हो जाए तो पति ओवर थिंकिंग करता है बच्चों से गलती हो जाए तो ओवर थिंकिंग ये ओवर थिंकिंग हमारे मनों में नेगेटिविटी लाती है और नेगेटिविटी लाने से हमारा मन आत्मा सब कुछ अंदर से डिस्टर्ब रहता है और जब ऐसा होता है तब हमारे मन में अशमनीय व्यवहार आ जाता है अशमनीय का मतलब क्या फगीवनेस नहीं रह जाता फिर हम क्षमा नहीं करते लोगों को फिर फगीवनेस इम्पॉसिबल हो जाता है फगीवनेस इम्पॉसिबल हो जाता है तो बहुत सारी अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है नहीं उसने ऐसा ही करना चाहिए और मैं ऐसा ही चाहता हूं या चाहती हूं माता पिताओं से बच्चे अपेक्षाएं रखने लगते हैं एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं और जब ऐसा होता है प्रिय भाई और बहनों तब पूरी तरह से हमारे मनों में क्रोध एंगर इज क्रिएटेड पूरी तरह से क्रोध भर जाता है और क्रोध भरने से फिर हम निरंतर परेशानी के बादलों में घिरे रहते हैं वी आर सराउंडेड विद डार्क क्लाउड्स ऑफ वरी एंड एग्नि अ लाइफ बिकम्स एग्नि तो जिसकी वजह से द जॉय ऑफ लव इज इम्पॉसिबल जो प्रेम का आनंद है उसे हम नहीं एक्सपीरियंस कर पाते और नहीं कर पाते तो जो हमारा जीवन हमारे चेहरे पे एक तरह का ग्रेव एक तरह का कब्रिस्तान बन जाता है आनंद का संदेश देने के बजाय हम दुखद संदेश लोगों को देते हैं और हमारा चेहरा ही बता सकता है कुछ दिन पहले मैं एक जगह मिस्सा देने गया और मैं वहाँ मिस्सा दे रहा था मिस्सा की तुरंत बाद एक सिस्टर मेरे पास आई और मिस्सा हो जाने के बाद उन्होंने कहा फादर बहुत दिनों बाद आ, अच्छा लगा मिस्सा सुन के अफकोर्स ऐसा लोग बोलते हैं कभी कभी एग्जैजरेट करने के लिए बोलते हैं परंतु दे मीन समटाइम्स एंड वाई शी सेड लाइक दैट उन्होंने कहा फादर आप मिस्सा दे रहे थे आपके चेहरे पर ग्रेस दिखाई दे रहा था परंतु कई बार ऐसा होता है कि जब कोई और यानी और पोहित भी आकर मिस्सा देते हैं उनके चेहरों पर ग्रेस नहीं होता है क्यों ये ग्रेस लुप्त है सिर्फ मैं पुरोहितों की निंदा करने मतलब मैं भी पुरोहित हूं हमारे मेरे भाई हैं हम सब पर क्यों ऐसा हो जाता है कि वो लुप्त हो जाता है इट्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस बिकॉज योर कॉन्शियंस इज नॉट क्लीन एंड वेन योर कॉन्शियंस इज नॉट क्लीन वेन यू डोंट हैव साइलेंस यू कैन नॉट मेक योर फैमिली पीसफुल यू कैन नॉट मेक इट स्ट्रांग यू कैनॉट एम्बोल्ड इन एंड एनकरेज योर फैमिली एंड देन यू ट्राई टू सॉर्ट ऑफ गिव ऑलटिव एक्सपीरियंस टू अदर्स इसका अगर आपको पता लगाना है डायग्नोज करना है कैसे पता लगाए कि कोई व्यक्ति हो सकता है कभी कभी अंदर ही सब कुछ दबा के रखा है बहुत सारी हरकतें हम करते हैं अनकॉन्शियसली कौन सी हरकतें नॉट माइंडफुल वॉकिंग आजकल देखिए अगर हम चलते हैं तो चलते चलते भी फोन पर बात कर रहे हैं वी आर सो ओवर बर्डन विथ सो मेनी थिंग्स फोन पे बात कर रहे हैं और वी आर जस्ट ऑक्यूपाइड वी आर नॉट इन्जॉइंग दैट वॉक नो माइंडफुल वॉकिंग उसी प्रकार नो माइंडफुल टॉकिंग हमारे सामने कोई बैठा है वी आर सो इन वी सी द फोन वी आर इन टू दैट पर्सन फैमिलीज में भी ऐसे हो रहा है खाते पीते माता पिता पति पत्नी बच्चे आपस में ही इज़ नो माइंडफुल एंड मीनिंगफुल टॉकिंग उसी प्रकार देर इज़ नो माइंडफुल एंड मीनिंगफुल ईटिंग ये सारे सिम्टम्स हैं जो दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पीस है लुप्त है गायब है शांति गायब है सो so, जब ऐसा होगा तो वी विल नेवर अंडरस्टैंड द कॉल ऑफ लाइफ एंड द कॉल ऑफ लव जीवन के बुलावे को और प्रेम के बुलावे को हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे अगर ये हमारे जीवन में होता है भैया तो भाई और बहनों हम में से कई लोग म्यूजिशियन हैं, विशेषकर मेरे बड़े भाई फादर सबास्टी राज म्यूजिशियन हैं कोई भी वादन को लीजिए उसको बजाने से पहले क्या करना होता है एनी इंस्ट्रूमेंट यू टेक वॉट यू आर सपोज टू डू बिफोर यू स्टार्ट प्लेइंग यू हैव टू फाइन ट्यून इट और वो फाइन ट्यून करने के लिए आपको थोड़ा साइलेंस रखना पड़ता है और तब क्योंकि अगर आपने उसको फाइन ट्यून नहीं किया और वैसे ही बजाना शुरू कर दिया कर दिया तो कर्कश आवाज सुनाई देगी इट विल नॉट बी अ पीसफुल यू विल बी स्किल्ड यू आर स्किल्ड आप बजाएंगे परंतु आप कितने भी कुशल क्यों ना रहे उस बजाने में उसकी आवाज बेकार सुनाई देगी योर स्किल्स विल बी एट वन साइड बट अनलेस एन अंटेल इट इज फाइन ट्यून्ड दैट विल नॉट मेक अ अस नॉय साउंड इट विल मेक अ कैकोफनी So, इसलिए यह आवश्यक है प्रिय भाई और बहनों कि हम इस बात को समझे संत यूसुफ ने पूरे सुसमाचार में कुछ नहीं बोला क्योंकि वो हमेशा मनन चिंतन करते रहे परंतु एक शब्द उन्होंने बोला कौन सा शब्द था वो लिखा है सुसमाचार में विच इज दैट वन वर्ड ही सेट विच इज दैट वन वर्ड ही सेड जीजस बिकॉज ही नेम जीजस एंजल केम एंड देन द फादर इज सपोज टू एंड ही मेंट इट सुसमाचार में कुछ नहीं कहा बस वही शब्द कहा अपने मिशन कार्य के बारे में कुछ नहीं कहा परंतु किया वी आर ऑल असाइंड विथ मिशन वर्क फैमिली परिवार को पिता का अपना कर्तव्य है माता का अपना कर्तव्य फादर सिस्टर्स का अपना कर्तव्य है परंतु कई बार हम सब रोते हैं मैं ही कर रहा हूँ मैं ही कर रही हूँ

किस अपने खेत में काम कर रहा था हार्वेस्ट हो चुका था और उसने फसल काट कर आ, जो बांस है आ, गोदान बोलेंगे जो भी है जहाँ पर आ, अनाज रखा जाता है वहाँ ले जाकर रख रहा था और काम कर रहा था उस काम करने के बीच में क्या हुआ कि जो उसकी रिस्ट वॉच है वो घूम गई रिस्ट वॉच तो साधारण सी चीज़ होती है उसके लिए ज़्यादा रोने करपने की क्या जरूरत है परंतु वो रिस्ट वॉच उसके लिए बहुत प्रिय थी क्योंकि उसकी माँ ने उसे वो गिफ्ट किया था और वो आखिरी एक गिफ्ट उसका था तो वो बहुत बिलक रहा था बहुत परेशान था आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे वो उनकी मदद उसने काफ़ी ढूंढा उस बाँध में उस गोदान में अनाज के गोदान में बहुत ढूंढा उसे वो घड़ी नहीं मिली परंतु उसने उन लोगों की मदद ली और उनको बुलाया और उनसे कहा कि तुम ढूंढो वो सारे लड़कों ने ढूंढना शुरू किया और किसी को भी वो घड़ी नहीं मिली शाम तक वो घड़ी नहीं मिली उसने हताश होकर निराश होकर आशा ही जस्ट गेव अप की अब ये नहीं मिलने वाली तब एक लड़का उसके पास आया मैं ढूंढ के देता हूं पंद्रह मिनट में और पंद्रह मिनट तो उसने कहा ठीक है चलो एक आखिरी ट्राई करते हैं और वो गोदान के अंदर गया और ठीक पंद्रह मिनट से भी पहले उसने उस किसान की घड़ी वापस ला कर दी दे। क्या किया होगा उसने ही केप्ट साइलेंस सम टाइम और जब उसने वो साइलेंस रखा तो उसे वो आवाज सुनाई दी टिक 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 और उस आवाज को सुनने के बाद उसे अंदेशा हो गया कि वो घड़ी कहाँ रखी है। वो घड़ी लाकर उसने उसे दे दी हम सब ने भी बहुत कुछ खोया है प्रिय भाई और बहन उसे हम पा सकते हैं इट्स नेवर टू लेट जस्ट कीप साइलेंस यू विल गेट इट God bless you. spouse of Mary. There was a, a beautiful, a short talk by Father Vivian कि संदी जोसेफ जो है एक पवित्र संत है। एक पवित्र पति है जैसे फादर ने हमारे हृदय की शुद्धता के विषय में बताया कि यदि हम सचमुच संत जोसफ को अपने जीवन का एक आदर्श मानना चाहते हैं तो हम उनके समान शुद्ध जीवन के लिए हम अग्रसर हो जाएं। धन्यवाद फादर जी आपकी सुंदर इस स्पीच के लिए स्टॉक के लिए और उदाहरण के द्वारा हमने उस खास बात को हमने समझा है ज़ोरदार तालियों से फादर को हम धन्यवाद देते हैं।